नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 14 दिसंबर। सबसे पहले कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में एमसीएक्स बुलडेक्स में कल हमने 0.38% की तेजी आते हुए देखी। जिस ढंग से मार्केट ने 14,000 का लेवल होल्ड कर रखा है, मार्केट ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखा रहा है बट अपसाइड भी काफी कैप है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जब तक 14,240 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है और एक दायरे में रहता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर है बट ये हफ्ते की जो फेड रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके चलते हमें आउटलुक मिलेगा कि बुलियन में आगे सिनेरियो कैसा है। क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइस $1,800 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक मार्केट के अंदर कुछ नया अपडेट नहीं आता है तब तक मार्केट एक दायरे में रहेंगे। आज के लिए एमसी बुलडेक्स की अगर बात करें तो दिन में तेजी रह सकती है जो 14,200 तक का लेवल दिखा दे बट 200-250 के करीब आते हैं पे बेच के चलिए वापस डाउनसाइड दिखा सकता है। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में कल हमने सोने और चांदी में दोनों में शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी और प्राइजेस गोल्ड के 48,300 का लेवल और चांदी 61,500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। फ्रेंकली रूपी की वीकनेस की वजह से सोने चांदी में तेजी रह सकती है बट हायर साइड कैप रहेगा, क्योंकि जब तक फेड के अपडेट्स नहीं आएंगे और बाकी भी फेडरल रिजर्व्स के अपडेट नहीं आएंगे तब तक मार्केट में पॉसिबल है कि हम कहीं ना कहीं एक रिंग बाउंड एक्टिविटी देखेंगे। टेक्निकली 48,550 के ऊपर गोल्ड निकल के होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बड़ी तेजी के लिए, अदरवाइज 47,800 से लेकर 48,500 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। चांदी में भी अगर हम देखें तो 60,300 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है या 62,500 के ऊपर क्लोज नहीं करता है मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड के अंदर कल हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी बट डिस्पाइट दैट जो दिन के सेशन में हायर लेवल देखा था वो सस्टेन नहीं कर पाया है। आज सोने चांदी में वेट एंड वॉच रखेंगे हायर लेवल पे बिकवाली के, जबकि क्रूड के अंदर अगर हम बात करें तो मार्केट में कल शॉर्ट कवरिंग से तेजी जरूर आई थी बट हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। टेक्निकली 5,350 के ऊपर काउंटर काफी साउंड है तो हो सकता है दिन के सेशन में मार्केट में थोड़ा पुलबैक आए, 5,400 का लेवल या 5,370 तक के लेवल पर बाइंग की जा सकती है। जिस ढंग से कोरोना का कंसर्न थोड़ा कम भी है बढ़ भी रहा है तो मिक्स व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस में कल हायर लेवल से हमने काफ़ी अच्छी बिकवाली देखी है जो टेक्निकली आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 290 का पहला सपोर्ट और 290 के नीचे 285 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस बेचा जा सकता है। बेस मेटल के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमने रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी, क्योंकि एक तरफ हमने इन्वेंट्री के अंदर ड्रॉप देखा है जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है बट दूसरी ओर चाइना से हमने एक कंसर्न देखा है कि आउटपुट में कटौती बनाई जा रही है कंटिन्यू बीजिंग ओलंपिक से पहले, जिसके चलते प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। इन बिटवीन हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था कि चाइना ने जो फॉरेन रिजर्व है वहाँ पे रीज किया है और साथ में आरआर में भी जो कटौती की थी जिसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़े इंप्रूव हुए बट उसके विपरीत आज एलएमबी पे अगर हम बात करें तो कॉपर जिंक निकल लेड एल्युमिनियम सभी नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं, जिसका मतलब है आज का सेशन एक रेंज बाउंड रहेगा। रुपये में गिरावट की वजह से प्राइस को सपोर्ट मिलेगा बट अपसाइड थोड़े कैप रहेंगे। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड 1770 से 1790 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, बड़ी तेजी के लिए 1800 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है वो एज ऑफ नाउ टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चांदी के लिए 22 से 22.60 का जो रेंज है इसी रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं क्रूड ऑयल के अंदर कल के तेजी के बाद थोड़ा पुलबैक जरूर आया है बट कहीं ना कहीं डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी और विंटर के अंदर सप्लाई भी थोड़ा कंसर्न हो जाता है जिसके चलते प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, वीक्स इंडेक्स में ड्रॉप है जिसके चलते इक्विटी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं डॉलर इंडेक्स 96.40 के करीब आ चुका है जिसके चलते यूरो जीबीपी जेपीवाई सभी में हम गिरावट बनते हुए देख पाएंगे। डेटा पॉइंट की बात करें तो आज यूरो जोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बेस मेटल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। वहीं यूएस से स्मॉल बिजनेस इंडेक्स के अंदर थोड़ा बढ़ोतरी है जबकि पीपीआई में ड्रॉप दिखा रहा है, कोर पीपीआई में स्टेबिलिटी है तो मार्केट के अंदर एक रिंग बाउंड एक्टिविटी रहेगी। एमसीएक्स बुलडेक्स दिन के सेशन में तेज रहता है, 14,200 के करीब मिले 14,270 के स्टॉप लॉस से बेचिए, 14,80-90 का टारगेट है। गोल्ड में भी तेजी जरूर है बड़ी तेजी के लिए 48,580 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिन की तेजी के बाद मार्केट अपने आप का जो स्ट्रेंथ है वो लूज करता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के अंदर 5,320 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 मूविंग एवरेज और 61.8 रिट्रेसमेंट का, जब तक 5,320 का लेवल नहीं तोड़ता 5,500 का लेवल फिर से दिखा सकती है। निकल के अंदर अगर 1,540 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है तो 1,520 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। आज पूरे बेस मेटल के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़े बाउंस पे बिकवाली की जा सकती है, नेचुरल गैस और क्रूड में बिकवाली रह सकती है, सोने चांदी में हायर लेवल से बिकवाली जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।